हेलो गाइस, ये डोरमेट हम सोतली और ऊन से बनाएंगे। सोतली को इस तरह से निकाल लेंगे। इसकी लंबाई 6 मीटर रखनी है और इस तरह से 6 मीटर हो जाए तो यहाँ पर इस तरह से मोड़ लेंगे। इसी तरह लपेटते हुए एक मोटा रस्सी की तरह बना लेना है। इस तरह 10 बार लपेट लेंगे। देखिए आप लोग, यहाँ पर हम 10 बार लपेट लिए हैं। लपेटने के बाद इस तरह से काट लेंगे। 10 बार लपेट लिए हैं इसको। अब यहाँ पर सूतली का छोटा छोटा टुकड़ा करके इस तरह से बांध देंगे पूरी सूतली को, ताकि ये फंसे ना, इसलिए हम इसको बांधेंगे इस तरह से। देखिए आप लोग, इस तरह से बांध देंगे पूरी सूतली में। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम सूतली को ले लेंगे, उसको डबल करने के बाद इसके दूसरे तरफ सेफ्टी पिन लगा लेंगे। और इस तरह से यहाँ पर एक नोट्स लगा लेंगे। नोट्स लगाने के बाद फंदे बनाएंगे। इस तरह से फंदे बनाएंगे। इसी तरह हम 15 फंदे बनाएंगे। फंदे बनाने के बाद यहाँ पर इस तरह से मोड़ लेंगे सूतली को, और इस फंदे में सेफ्टी पिन को करके इस तरह से इसी फंदे में फंसाते हुए यहाँ पर फंदे बनाएंगे। फिर इसके बगल वाले फंदे में इस तरह से फंदे बनाएंगे। इस तरह से फंदे बनाते हुए ये लाइन तैयार करेंगे। अब इस लाइन में हम प्रत्येक फंदे में एक एक फंदा बनाएंगे। देखिए आप लोग, हर फंदे में एक एक फंदा बनाते हुए ये लाइन भी हम तैयार करेंगे। अब इस लाइन में हम एक फंदे में दो फंदा बनाएंगे। यहाँ पर तो हम एक ही फंदे बनाए हैं, लेकिन इस फंदे में हम दो फंदे बनाएंगे। बाकी के सभी फंदे में हम दो दो फंदे बनाएंगे। इस तरह से आपको फंदे दूर लगे तो आप एक फंदे में दो फंदे बनाएंगे, नहीं तो एक फंदे में एक ही फंदे बनाएंगे। इसी तरह हम 5 लाइन तैयार करेंगे। देखिए आप लोग, ये बनाने के बाद हम ऊन ले लेंगे, स्वेटर वाला ऊन, और इसको भी डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इसके दूसरे तरफ सेफ्टी पिन लगा लेंगे और यहाँ पर ऊन को जोड़ेंगे इस तरह से। इस तरह से ऊन को जोड़ना है और एक फंदे में एक ही फंदा बनाना है। देखिए आप लोग, यहाँ पर भी फंदे दूर लगे तो आप एक फंदे में दो फंदे बना सकते हैं। देखिए आप लोग, यहाँ पर हम दो फंदे बना दिए हैं। इस तरह से आपको बनाना है। जहाँ फंदे दूर लगे आप दो फंदे बना सकते हैं, नहीं तो एक एक फंदा बनाते हुए आप जितना बड़ा बनाना चाहें आप बना सकते हैं। कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।